हेलो फ्रेंड्स स्वागत हो सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम लोग बात करने वाले हैं आर आरबी एन टी पी सी सी बी टी फर्स्ट के जो रिजल्ट यहाँ पर आया हुआ है ठीक है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर जितनी भी स्टूडेंट यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि क्या सारे जो आपका रिजल्ट है इसके अंदर धांधली हुई है या गड़बड़ी हुई है यहाँ पर बीस गुना बच्चे पास नहीं किए गए पाँच गुना बच्चे पास किए गए ठीक है और नॉलेज के अंदर यहाँ पर घपला हुआ है किसी के बीस नंबर बढ़े हैं किसी के दस नंबर बढ़े हैं इस तो मतलब ये जितने भी आपके जो दिमाग में आपके डाउट्स बन रहे हैं ना ये सारे डाउट्स आपको मैं क्लियर कर दूंगा इस वीडियो के अंदर तो वीडियो को आप लोग शुरू से देखकर एक बार लास्ट तक जरूर देखना ठीक है साथ में अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाली अपडेट और नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे और साथ में आपको ये बता देता हूँ कि मेरा खुद का यहाँ पर जो है एन टी पी सी का ठीक है मैंने बैंगलो से फॉर्म लगाया था और मेरा सभी लिस्टों के अंदर मेरा नाम भी है ठीक है मैंने आपको एक वीडियो के अंदर मैं आपको रोल नंबर भी दे देते आप चेक भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप लोग जिन स्टूडेंट का सलेक्शन नहीं हुआ है ना वो स्टूडेंट इतने टेंशन में आ रखे हैं कि मतलब वो आगे की प्रोसेस के बारे में सोच ही नहीं रहे ठीक है मैं आपको सारी बातें बताऊंगा इस वीडियो के अंदर ठीक है तो आप लोग एक बार वीडियो को लास्ट जरूर देखना एक बार देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पर एक स्टूडेंट यहाँ पर जिसके रो मार्क्स कितने यहाँ पर जीरो जीरो है ठीक है अब इसके नंबर बढ़ करके कितने हो गए थे गुनी समझिंग हो गई थी यह आपकी इसकी मार्कशीट भी है आप लोग यहाँ पर देख भी लेने पर ठीक है अब ये मार्कशीट भी जो है फेसबुक पर यूट्यूब पर मतलब कई जगह वायरल हो रही है और ये कहना चाह रहे हैं कि सर हमारा तो पेपर बहुत टफ था लेकिन हमारे तो नंबर कम कर दिए इस स्टूडेंट के नंबर तो ज़ीरो आ रहे लेकिन इसके नंबर गुमन बढ़ गए तो आपको क्या लग रहा है कि एक्यूरेसी के कारण आपके यहाँ पर जो है नॉमलेसन हुआ है आपका ठीक है या फिर आपका डिफिकल्टी के का हुआ है तो मैं आपको बता देता हूँ देखो सबसे पहले तो यहाँ पर जो तो हुआ है नॉमलेसन आपका ठीक है इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है ठीक है ये सब कुछ यहाँ पर एक बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर हुआ है देखो इसमें क्या होता है आपका नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है आपकी एक्यूरेसी तो डिपेंड करती ही करती है साथ में आपकी जो शिफ्ट थी यहाँ पर जो आपकी शिफ्ट थी उस पर भी डिपेंड करता है और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बोल रहे हैं कि सर हमारी तो मेरा एक दोस्त था उसकी भी सेम शिफ्ट थी और मेरी भी सेम शिफ्ट थी और एक ही दिन पेपर था और उसी टाइम पर पेपर था फिर भी हमारे नंबरों में डिफरेंस है भाई ये चीज गलत है ठीक है आप हो सकता है कि आप लोग यहाँ पर झूठ बोल रहे हो मैं आपसे रियलिटी कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इतने सारे स्टूडेंट देखे हैं सबके नंबर में डिफरेंस है वेरिएशन है अगर आपकी शिफ्ट के अंदर वेरिएशन है तो ठीक है अगर आपका पेपर वास्तव में टफ था तो आपके नंबर दस भी बढ़े पंद्रह भी बढ़े और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिनके बीस बीस नंबर भी बढ़े बुनिस्तम आपको दिखाई दिए अभी आपको ठीक है और नंबर यहाँ पर स्टूडेंट के कम भी हुए मैं आपसे पहले कह रहा हूँ अगर पेपर बहुत आसान था और उसने यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नेगेटिव किए हैं तो उसकी एक्यूरेसी के कारण और उसके पेपर के वेरिएशन के कारण पेपर आसान होने के कारण उसके नंबर यहाँ पर और नंबर ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा कम हुए कि दस बारह नंबर कम हो गए ऐसा भी नहीं हुआ है एक या दो नंबर ही स्टूडेंट के कम हुए तो नॉर्मेशन के अंदर तो कोई भी घपला नहीं हुआ है अगर आप जो स्टूडेंट यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि सर नॉर्मलेन के कारण गपला हुआ है हम प्रोटेस्ट करेंगे तो इस बेस पर तो प्रोटेस्ट करने का कोई भी मतलब नहीं है ठीक है तो ये बात आपको क्लियर हो चुकी है कि नोनेशन आप लोग जो आप लोग ये हवा बना रखा है कि नोनेशन बेकार हुआ है वो हुआ है ठीक है तो आपके पेपर के अकॉर्डिंग यहाँ पर नोनेशन हुआ है अगर आपका पेपर यहाँ पर इजी था तो आपके नंबर हो सकता है कि आपके नंबर पॉइंट जीरो वन बड़े हो सकता है आपके नंबर एक दो ही बढ़े हो हो सकता है आपके नंबर यहाँ पर दो चार माइनस भी हो गए हो लेकिन अगर आपका पेपर मॉडरेट था तो हो सकता है आपके नंबर यहाँ पर पाँच सात ऐसे बढ़े हो और पेपर अगर आपका डिफिकल्टी लेवल बता तो डेफिनेटली आपके नंबर दस प्लस यहाँ पर बढ़े हो गया आप ठीक है मैं बताता हूँ मेरे खुद के जो मेरे नोटेशन मार्क्स है यहाँ पर मेरे खुद के यहाँ पर बारह नंबर का इंक्रीज हुआ है और ये बात मैं आपको पहले भी बोल चुका था ये वीडियो के अंदर कि मेरा पेपर जो आया था वो थोड़ा डिफिकल्टी लेवल का था और उस उसमें मार्क्स यहाँ पर बढ़ेंगे मैं पहले ही बात बोल चुका था ठीक है अब देखिए बार अब दूसरा जो पॉइंट आ रहा है स्टूडेंट का यहाँ पर वो क्या आ रहा है कि यहाँ पर क्या आपका रिवाइज रिजल्ट आएगा क्या जब से आपका पेपर आया है कि यहाँ पर बीस गुना पास नहीं किए गए हैं वो नहीं किया गया है तो मुझे आप लोग बताइए क्या आप लोगों ने यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन पहले पढ़ा था क्या आपने ठीक है मैं आपसे खुद ही पूछ रहा हूँ ये नहीं कह रहा कि आपका मैं सपोर्ट नहीं कर रहा या सपोर्ट करूँगा मैं कुछ भी नहीं कहूँगा इसके बारे में ठीक है अगर मान लीजिए सभी विद्यार्थी या सभी यूट्यूबर टीचर अगर मान लीजिए प्रोटेस्ट करते हैं कुछ भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं मैं भी आपका साथ दे दूंगा लेकिन आप लोग एक बार खुद ही एक बात को सोचना एक बार क्या आपके जो यहाँ पर रिजल्ट आपका जारी हुआ है क्या उसके अंदर जितनी भी यहाँ पर बातें कही गई हैं आपसे इन्होंने यहाँ पर लेवल बाइज यहाँ पर स्टूडेंट को पास किया गया है ठीक है

ठीक है ठीक ठाक दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं है वरना आप लोग ये नोटिस आप लोग डाउन कर लेना कोई दिक्कत नहीं पेपर मिल जाएगा आपको ठीक है अब इसमें आप लोग एक नोटिस में एक चीज़ देखिए आप लोग इन्होंने क्या बोला देखो पेपर देखिए हाँ बाई द फर्स्ट स्टेज देखो यहाँ पर ये इन दिस एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन थर्टीन कैटेगरी वर एडवाइसमेंट विच वर ओपन टू ग्रेजुएट एंड सिक्स ऑफ दिन फॉर अंडर ग्रेजुएट है अब देखिए दिस थर्टीन कैटेगरीज सेक्रेटरी यानी कि इनको अलग अलग यहाँ पर डिवाइड किया गया है टू फाइव ग्रुप्स बेस्ड ऑन सेवन सी पी सी पे स्केल ठीक है लेवल वाइज अब आपके लेवल कौन कौन से यहाँ पर लेवल टू लेवल थ्री लेवल फोर लेवल फाइव अब कई जोन ऐसे हो सकते हैं जिनके अंदर लेवल फोर नहीं होगा ठीक है यहाँ पर चार ही लेवल होंगे और ज़्यादातर जो लेवल पांच है उनमें आपके पाँच है टोटल एंड द स्टेज वाइज प्रोसीडर ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर इस कैटेगरी हैज ऑलरेडी बीन इंडिकेटेड क्लियरली इन पैरा नंबर तेरह थर्टीन पॉइंट सिक्स तो इन्होंने जो पैरा नंबर तेरह पॉइंट सिक्स था आपका थर्टीन पॉइंट सिक्स था सी एन वाला ठीक है जो इन्होंने ओरिजिनल इसका नोटेशन था जीरो एक दो हज़ार उन्नीस उसमें इन्होंने क्लियरली मैंशन था कि आपके यहाँ पर जो एग्ज़ाम होंगे वो आपके लेवल वाइज होंगे यानी कि अगर आपने जितने भी आपने लेवल क्लियर किए ना उसके हिसाब से आपको सारे एग्जाम आपको देने पड़ेंगे अगर आपने चार लेवल क्लियर करें तो आपको चार एग्जाम देने पड़ेंगे अगर आपने दो लेवल एग्जाम क्लियर करें तो आपको दो एग्जाम देने पड़ेंगे तो जब इन्होंने ये बात पहले ही बोल दी थी देखो एवरी कैंडिडेट वॉज फ्री टू ऑप टू ऑल और एनी ऑफ द दीज थर्टीन कैटेगरीज सब्जेक्ट टू दंडीशन ऑफ एजिटी यानी कि अपने जो स्टूडेंट यहाँ पर अपनी इच्छा के अनुसार सकता है कि मुझे कौन सी कैटेगरी एग्जाम देना है ठीक है अगर आपके नंबर उस कैटेगरी से उस लेवल से आपके अच्छे आ रहे हैं या ज्यादा आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको उस कैटेगरी में आपको शामिल किया जाएगा उस लेवल में आपको शामिल किया जाएगा और आपको उसका सीबीटी टू आपको देना पड़ेगा अलग से एग्जाम ठीक है तो ये बात इन्होंने पहले ही बोल चुकी है साथ में देखो यहाँ पर बाई द फर्स्ट स्टेज सी बी टी वो कॉमन एग्जामिनेशन ठीक है फॉर ऑल द कैंडिडेट्स पैरा नंबर थर्टीन पॉइंट टू ऑफ द नोटिफिकेशन क्लियरली स्टेट दैर इन द सेकेंड स्टेट सी बी टी देयर वुड बी ए सेपरेट एग्जामिनेशन फॉर ईच ग्रुप वाइज ठीक है यानी कि लेवल टू लेवल थ्री लेवल फोर लेवल फाइव एंड लेवल सिक्स विद डिफरेंट ग्रेडेड लेवल ऑफ डिफिकल्टी मतलब इन्होंने पहले ही कहा था कि अगर आप यहाँ पर सारे लेवल क्लियर करते हैं जितने भी आप लोग लेवल क्लियर करते हैं तो आपको हर लेवल के लिए आपको अलग से एग्जाम देना पड़ेगा और जितने भी आपके पेपर होंगे उनका जो लेवल होगा वो डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से बढ़ता रहेगा जैसे मान लीजिए आपका लेवल सिक्स और लेवल फाइव ठीक है ये पेपर आपके स्टेशन मास्टर के भी है ठीक है कमर्शियल अप्रेंटिस भी आता है आपका और साथ में आपके क्या होगा <coughs> गुड्स गार्ड भी हो गए जो अच्छे पेड के हैं ग्रेजुएशन लेवल के हैं उनका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा हाई रहेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर पेपर होंगे ऐसा भी नहीं कि पेपर सबके सेम लेंगे डिफिकल्टी लेवल के यानी कि लेवल वाइज आपका यहाँ पर पेपर होने वाला है ठीक है अकॉर्डिंगली ऑल पोस्ट फॉलेंगे विद इन द सेम लेवल शेल हैव ए कॉमन सी बी टी टू एग्जाम ठीक है जिनका लेवल सेम है उनका एक ही एग्जाम होगा ऐसा भी नहीं है कि आप अगर, अगर लेवल आपका मान लीजिए फाइव है उसमें अगर दो पोस्ट हैं तो उनका एक ही एग्जाम होगा उसका सेम लेवल रहेगा आपका ठीक है देयर फॉर इफ ए कैंडिडेट एलिजिबल एंड हैज़ ऑप्टेड फॉर मोर देन वन लेवल एज पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ठीक है ना ही शी विल हैव टू अपियर इन द करस्पोंडिंग सेकेंड स्टेज सी बी टी फॉर ईच लेवल एज गिवन इन पैरा नंबर थर्टी पॉइंट सिक्स ठीक है डिफिकल्टी लेवल फोर ईच ग्रुप और पोस्ट विल बी डिफरेंट तो इसका मतलब ये है कि आपको हर एग्जाम आपको देना पड़ेगा ये उन बात बार बात बोली है कि आपको सीवी टू अलग अलग देना पड़ेगा थर्टीन पॉइंट सिक्स पैरा के उन्होंने बात बोली गई है अगर आपने एक से ज़्यादा लेवल क्लियर किए हैं तो आपको सारे एग्जाम देने पड़ेंगे जो भी आपने लेवल यहाँ पर क्लियर किया है तो सब कुछ आपको यहाँ पर इस पैरा के अंदर आपका जो यहाँ पर नोटिफिकेशन था उसमें सब कुछ यहाँ पर क्लियर है तो हम लोग किस बेस पर हम लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करें ठीक है अब आप कह रहे हैं कि बीस गुना तो भाई इन्होंने यहाँ पर बीस गुना बच्चे ही लिए हैं बस ये है कि एक स्टूडेंट का पांच लेवल क्लियर किया है यानी कि अगर उन्होंने कट ऑफ क्लियर किया तो इसलिए उसका नाम पांच लिस्ट में गया इसलिए यहाँ पर स्टूडेंट थोड़े कम पास हुए हैं यहाँ पर लेकिन ठीक है मैंने आपकी बात मान ली यहाँ पर कि बीस गुना बच्चे पास नहीं किए लेकिन ध्यान रखना आप प्रोटेस्ट भी करोगे तो आप किस बेस पर करोगे अगर आप कोर्ट में जाते हैं कहीं पर भी आप लोग जाते हैं तो ये क्या करेंगे रेलवे वाले और रेलवे वाले बहुत डेठे होते हैं मैं बताया तुम ये अपनी बात से बिल्कुल भी नहीं हटते हैं ठीक है ना आप कोर्ट में जाते हैं कहीं पर भी जाते हैं तो आपको ये नोटिफिकेशन आपको पकड़ा देंगे कि आप देख लीजिए कि हमने जो दो में सीरो जीरो वन दो जो आपका सी एन आपको नोटिस uh, <coughs> निकाला था ठीक है नोटिसन उसके अंदर इन्होंने ये बात क्लियरली मैंशन कर रखी है और जो बात अगर आपने नोटिसन क्लियर कर दी है आप उसको चेंज नहीं कर सकते आप उसको जुटला नहीं सकते ठीक है गलत हुआ है मुझे पता है बीस गुना बच्चे पास करने चाहिए थे इन्होंने एक ही बच्चे को पास बार किया लेकिन ये बात इन्होंने नोटिफिकेशन में ऑलरेडी बोल रखी थी तो इसका कोई बेस नहीं है दूसरी बात मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपका एग्जाम फरवरी के अंदर है तो जिनका सलेक्शन हो चुका है वो तो इस प्रोटेस्ट में वैसे भी नहीं आने वाले हैं ठीक है ठीके? और क्यों नहीं आने वाले क्योंकि भाई टाइम नहीं है हमारे पास में ऐसा नहीं कि वो आपका हेल्प नहीं करना चाहते टाइम नहीं है हमारे पास में और टाइम क्यों नहीं है क्योंकि चौदह फरवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट है फिर आप प्रोटेस्ट करोगे या फिर आप लोग एग्जाम की तैयारी करोगे ठीक है और बाको बताता हूँ जो स्टूडेंट पर प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं ठीक है आप लोग अपने हिसाब से प्रोटेस्ट करिए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ध्यान रखना फरवरी में ही आपका ग्रुप डी के एग्जाम की डेट भी है ठीक है तो आप लोग ऐसे मत कर देना कि एन टी पी फर्स्ट के रिजल्ट के चक्कर में आप लोग अपना ग्रुप डी का एग्जाम आप लोग खराब कर दो यहाँ पर ये भी आप लोग मत करना तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कुछ भी करो प्रोटेस्ट करो कुछ भी करो लेकिन अपने ग्रुप डी की तैयारी को कंटिन्यू आप लोग रखना है यहाँ पर ऐसा मत करना कि आप लोग पूरा दिमाग खराब कर लो अपना कि मेरा तो सी फर्स्ट नहीं हुआ अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता मेरा कुछ नहीं होगा ये बातें अपने दिमाग से निकाल दीजिए अभी आपके पास ग्रुप डी एग्जाम है जो गलती आपने एन टी फर्स्ट में की थी वो ग्रुप डी में मत करो टॉप रहने की आप सोचिए और आप ये भी सोच कि आप लोग देखो कट ऑफ तो है, बढ़ती है हर <coughs> साल बढ़ती है ठीक है हालांकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई है नाइन्टी के आसपास ठीक है ये गलत है लेकिन आप लोग देखिए कि दो uh, के अंदर पहले वैकेशन निकली थी अगर आप उसकी तुलना आज करोगे तो वही डेफिनेटली यहाँ पर कट ऑफ बढ़ी है और सिर्फ रेलवे के अंदर ही कट ऑफ नहीं बढ़ी है आप एस के अंदर सी के अंदर कट ऑफ देख लीजिए यहाँ पर मैथ में हर स्टूडेंट दो में से दो नंबर लेकर आया रहा है के अंदर ठीक है कट ऑफ देख सकते हैं आप लोग एट्टी एट्टी परसेंट कट ऑफ जारी आप दो हज़ार उन्नीस में देख लो एस एस के अंदर कितनी कट ऑफ गई थी 90 90 परसेंट कट ऑफ जारी है यहाँ पर फिर भी कहीं को सिलेक्शन नहीं हुआ है यहाँ पर ठीक है आप कोई सा भी एग्जाम उठा लो आप लोग हर किसी एग्जाम के अंदर कॉम्पिटिशन बहुत हाई हो चुका है हर किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो बस यही है कि आपको प्रोटेस्ट करो अपनी हक की लड़ाई लड़ो लेकिन आपको साथ में एग्जाम की तैयारी आपको करनी है आप लोग ये एन के चक्कर में जबकि यहाँ पर फैल हो चुके हैं आप लोग अपनी ग्रुप डी की तैयारी को मत छोड़ देना वरना आप लोग वो भी उससे भी आप लोग हाथ धो बैठोगे फिर आप लोग प्रोटेस्ट करोगे आप इससे आप लोग ठीक है तो मेरा जो लक्ष्य है यहाँ पर मार्ग बताने का ये नहीं कि आपको मैं डिमोटिवट कर रहा हूँ मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप कोई भी काम करो लेकिन अपनी पढ़ाई को आप लोग बिल्कुल मत छोड़ना आप लोग ठीक है क्योंकि इस प्रोटेस्ट का कोई बेस नहीं है मैं आपसे पहले कह रहा हूँ ठीक है हाँ अगर मैं आपको साथ दे सकता हूँ कोई बड़ी बात नहीं मैं आपको साथ दे दूंगा इसमें लेकिन इसका कोई भी हाथ पैर नहीं है आप कोर्ट में जाओगे कहीं पर भी जाओगे तो वो आपको ये नोटिस जो है आपका नोटिफिकेशन आपको ये पकड़ा देंगे कि हमने इस बात को पहले ही मैंशन किया हुआ था ठीक है फिर भी आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट सेक्शन से में आप लोग जरूर बताना आप लोग ओके मिलते हैं फिर अगली वीडियो में थैंक यू सो मच